तो हमारी हो गई है जाने की तैयारी। बाय बाय अम्मा बाय। निश्वास लागना तुम के अम्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की जो एक खूबसूरत सी मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है बागेश्वर में, और इतनी सुबह सुबह यहाँ पे बिल्कुल धूप ऊप आ गई है। 7:30 हो रहा है अभी टाइम, और धूप चटक धूप आ गई एकदम दिन के 12 बजे वाली। हम लोग कल शाम यहाँ पे पहुँच गए थे, और आज का जो ब्लॉग है वो मैं इस बारे में बताऊँगी आपको कि कल हम लोग गए थे धूर, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए थे, स्टे का प्लान था लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ पर हमने कितनी मिस्टेक्स करी रूट चेंज करने में या फिर रूट चूज़ करने में, जिसकी वजह से हमको बहुत ही लंबा जो रास्ता होता है उसके थ्रू जाना पड़ा। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और हमारी गलतियों से थोड़ा सा सबक लीजिएगा। तो जैसे ही हमने सफ़र शुरू किया था, हमको जो शॉर्टकट लेना था, मतलब जो दूसरा रास्ता है नया वाला, उसके लिए हमने मुड़ना था कपकोट वाले पुल से। लेकिन बाय मिस्टेक हम लोग स्ट्रेट चलते रहे। उसके बाद भी दो रास्ते और आए थे जहाँ से हमें टर्न लेना था, तो हम नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से हम लोहार खेत होते हुए गए, जो कि नॉर्मल डिस्टेंस से 1-1.5 घंटा ज़्यादा था। तो इस वजह से हमें बहुत लंबा रूट पड़ गया। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रख के चल सकते हैं, कि मतलब आपको पहले से रूट का पता रहता है तो वो बेटर रहता है कि आपको कहाँ से मुड़ना है। क्योंकि हम तो रैंडम ऐसे ही गौरव जो है ब्लॉग देख के चल दिए थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं आया, और वहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है। ऊपर जाने दो रोड कट रही है, भी है। करो अगर ना आते टाइम तो बारिश होगी ना, ये रोडों में कैसे लाऊंगा मैं गाड़ी को। अरे ये हमको मिल गया छिड़। ये देखो गौरव की अद्भुत जगह है। ओ हो का दो पाउच ले डाला भाई, गाड़ी कैसे चलाऊंगा ऐसे धूल वाली उसमें शीशे में। बढ़िया रोड आ रही है गौरव। बढ़िया एकदम, ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बस कहना है ऐसी स्मूथ रोड है पूरी। मस्त आई है आप ये जंगलों के बीच से। जंगलों के बीच से हैवी ड्राइवर के लिए बुकिंग करनी चाहते थे अरेडिया। फिर से एक आईडी देनी पड़ेगी, एक अलग आईडी बना लो ना बुकिंग करने से अरेडिया। अरे मेरा नंबर भी दे देना यार भाभी, आप मेरे को कोई दिक्कत यार, अब तुम तो हद ही कर दे रहे हो। मेरा नंबर दे देना यार भाभी, मैं सोचो वीडियो के साइड में पासपोर्ट फोटो भी लगा दूं। हां लगा वो लगा देना लोगो, वो वेल क्वालिफाइड बीटेक आईटी बैंगर सब डाल देना, मेरा बायोडाटा डाल देना। जाना जान हमें पता नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। गौरव की मेहरबानी से किशोर और मैं तो लाटे जैसे बेचारे लग जाते हैं बड़ों के आज्ञा के अनुसार, और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें अभी तक जगह का। ये देखो गाड़ी दी गई, ये देखो भाई साहब, ओ माय गॉड, ओ भाई रुक गई गाड़ी, देखो गाड़ी नहीं चल रही है वहाँ की, गौरव हमें लेके जा रहे है बड़ी मुश्किल से। छींची कहते रहे उतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर को खाना खिला दूंगा। खाना तो है ही नहीं इस रोड पे, इंसान नहीं दिख रहे, खाना कहाँ से मिलेगा। और सोने पे सुहागा हो गया, बारिश भी शुरू हो गई है, बूंदे बूंदे गिरने लग गए हैं। अब हो रही है बारिश तेज, जो अंदाजा लगा रहा था किशोर अभी तक वो हो रहा है सच। ये हो गई है बारिश, वो जब मैं मुड़ गई हूँ। हम ही जा रहे भाभी, ये नहीं देख रहे आप। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, अभी भी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं हैं, जो कि एग्जैक्ट कौन सी हमें ये भी नहीं पता है। गौरव महाराज सरप्राइज देने के मूड में आज, और ऐसी धुआंधार बारिश हो रही है। अभी वो पूछने गए हैं किसी से कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि नेटवर्क वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा इधर, और ड्राइवर को भूख लग गई है बेचारा टेंशन में। भाई चौड़ा स्थल पहुंच गए हम लोग, पढ़ने नहीं देता ये वहाँ पर, एक लड़ते रहते हैं बस, अब पीछे ले जाएगा वो, पढ़ो वो देखना बोर्ड लगा हुआ है, धाकुड़ी 10 किलोमीटर ले, वो तो किसको कह रहा था, धाकुड़ी 10 बजे खाती 19 फिर क्या कह रहा होगा वो, 35 किलोमीटर फिर क्या कह रहा होगा, हरामी हुआ था सिवा एक, तो उसने बताया वो हरामी भी हो गया ट्रेन के लिए। डालो इसको, इसके लिए डालो, सिग्नल आगे होंगे वहाँ, आगे दो टावर है।
भाई साहब ऐसे ऐसा हो रहा है ना, हमारा वो सरप्राइज टेस्ट होता है ना जैसे, वैसे ही हो रही है हमारी ट्रिप। क्या टेस्ट हो रहा है? बढ़िया, तुम इतनी बढ़िया जगह ले जा रहा हूँ तुम साले। हम साले गूगल पे लोकेशन ऑन कर देना है। गूगल पे भी नहीं है ये लोकेशन वाले सारे। बॉल उठ रहा है कितना बढ़िया। थोड़ा सा बारिश बंद हो जाती है ना, बारिश बंद होती तब से दिखता। ओहो गजब, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चौड़ा स्थल आ गया हम लोग। एक ग्रीनर प्लेनेट के एक यहाँ पे ऐसे भी है। अरे क्रूज स्टेशन ही वो है क्या? थर्ड स्टेशन वो जंगल वाला। हाँ जंगल वाला, जंगल आता होगा कुछ करेंगे। कुछ गाड़ियाँ तो रुकी है भाई, यूके जीरो टू बाइक भी ले आ रहा है। हाँ देखो नीचे कितना सुंदर लग रहा है ये, देख दूंगे मैं। अरे ये वाली तो मैंने देखी, ये हाँ। ये तो वो है टीआरसी है। हाँ टीआरसी तो है ये भागुड़ी का, मतलब मेरे ख्याल। देखो नीचे मैंने डीएसबी ब्लॉग से काटी है। यहाँ लोहार खेत टूरिस्ट रेस्ट हाउस और ये पूरा कोहरे में ढका हुआ गांव। वाह थोड़ा बारिश ने बिगाड़ दिया है, वरना तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये साथ साथ ऐसी रोड भी है, ये मौसम ही मौसम। जो कह रहा था ना भराड़ी से दूसरी रोड कटी है, वो हमें कहाँ मिलेगी फिर? कहीं मिलेगी तो गर्मी में मिल, गर्मी में सीधे गर्मी में मिलती पहले तुम्हें। सेम मुंशारी की तरह वाली रोड है। किशोर कह रहा है मेरे को इंसान देखने है, मतलब बहुत टाइम हो गया इंसान नहीं देखे बेचारा। सिर्फ सिर्फ ऐसे धुंध, ऐसा लग रहा पता नहीं कौन से सफर में निकले हैं हम लोग, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुनता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता है ना पता है। और गौरव हमें सांत्वना दे रहे, बच्चे कहते चल चल बेटा थोड़ा सा बचा है। किलोमीटर था उस टाइम 62 64 हो चुका है। 2 किलोमीटर तो चौड़े से कहाँ गया यार, 6-7 तो आई होंगे अब तक। पहाड़ पार कर दिया गौरव, शरम नहीं आ रही? भाई शरम क्या नहीं आ रही, उसने कहा आपको वहाँ नाश्ता वास्ता की दुकान सब मिल जाएंगी खाने वाले की। उसने तो मैं लालच दिया लालच, वो हॉन्टेड वाली मैं भी वही समझू। वो एक चाल बिछाते है ना, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, खाना हम ही होते हैं। कट्टे में सामान भर के रखते हैं यार। धुंध तो बढ़ती जा रही है हमारी तो भाई, हम हाइट में भी तो हैं अब भाई। गौरव ये कुछ तो करा है यहाँ पर बड़ी, और यहाँ पर सोलर फेंसिंग कर रखी गौरव। खुशी क्या हो रहा है? हाय करो इंसान। ये चौड़ा स्थल कितने दूर पड़ते हैं? अरे ये चौड़ा स्थल आ गया साहब, आप चौड़ा स्थल में पहुंच चुके हो। ये है बस, कितनी दूर है ऐसे? अरे दूर दूर है अभी 4-5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा आप दूर जा रहे हो क्या? जाना तो वही है घूमने के लिए। हाँ अरे बारिश बुरिश हो रही है, देख लो फिर जैसे जो चौड़ा स्थल में ठहरो, जो मौसम होगा ठहरता भी जाओ, नहीं तो और तेज बारिश होगी अटक जाओ। धन्यवाद धन्यवाद, पॉजिटिव सुनना है। यही तो है चौड़ा स्थल, ये है चौड़ा, ये इसमें दुकानों में खाना मिलेगा, इसमें घर से खाना मिलेगा। घर में गए यार, उसने कहा यार होटल है वहाँ पर करके। अरे बोल रहा था पेड़ी कोमल रेस्टोरेंट है, तो सही पेड़ी है चौड़ा स्थल। चौड़ा स्थल लो मिल जाएगा, पहुँच गए हम चौड़ा स्थल। ये है हमारी दुकान, ये स्वागत में खड़े हैं भैया हमारे भाई। इंसान नहीं भाई, घर में इंसान देख दिया राम। जहाँ पे हम लोग हैं हाँ, क्या कहते हैं इसको है? हाँ जमीन। मैंने इसे कई जगह का नाम क्या है, जहाँ पे हम लोग हैं कह रहे हैं इसको जमीन कहते हैं। बजरी है यहाँ पे, देखो कितना सुंदर लग रहा है। पूरा मौसम अब साफ होने लग गया, कोहरा पूरा उठने लग गया, मस्त बढ़िया सा हो गया, खुल गया मौसम। कर दो ये
बच्चा मिले मेरे को शॉप वालों का, शायद खाना खा रहे थे दोनों। बाय बाय करते हैं बाय। कोई बात नहीं, हाँ खाना पीना हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट होगी है। चलो देखो ऐसे पत्थर पत्थर वाले घर हैं यहाँ पे और इतना सुंदर एरिया लग रहा है, बहुत ही प्यारा। यहाँ नीचे भी पूरा गांव बसा हुआ है। ये बस है पूरा गांव, अभी भी काफी घर है और यहाँ पे तो बहुत घर है पत्थर वाले। हाँ बहुत ही कम है जिन्होंने छत डाल रखी है, पर उन्होंने भी आधा अधूरा ही कर रखा है वो, लेकिन ये सुंदर लग रहा है बहुत। उधर नीचे में रोड दिख रही है बिल्कुल ही बढ़िया सी, पता नहीं अब उधर ही जाना है हमें किधर जाना है कुछ पता नहीं है, हमें तो इस रोड में जाना है डगडग डगडग करते हुए। और बड़ी ये देखो इधर से गिर रही हूँ उधर पटक रही हूँ, उधर से गिर रही हूँ उधर पटक रही हूँ। अच्छा हम नीचे उतर रहे हैं अभी पहाड़ी में, वो बेचारे दौड़ भी रहे डर के मारे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पूंछ भी उठा रखी है। पीछे को देखा ही नहीं, ला रही दौड़ देखने के लिए रुक गया, वो पीछे से आ रहे नहीं आ रहे, हम खाली दौड़ रहे हैं। अब अपने भाई या बहन जो भी उसको बताएगा, यहीं पे रुक जाते हैं बोले यार इधर को थोड़ा आएगा ये गाड़ी वाला बेवकूफ, ऐसा भी कह रहा है, चला गया उधर को, वहां से भी देख रहा है किशोर मुंडी खाना सब मुंह दिखा रखा है। जो भी आ रहे हो यार मेरी रोड देख लेना, ये कितनी खतरनाक है वीडियो में, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओ भाई साहब अब रुक गए हैं आगे से नीचे, वो कैसी है सही है, इससे बढ़िया एरिया कर्मी है और इससे आगे जो रोड आएगी वो भराड़ी आएगी। अब ये पूरा जो गांव है ये पूरा गांव कर्मी है, जो भी हमें दिख रहा है ये पूरा कर्मी गांव है। ये देखो ये पूरा गांव कर्मी है और अब जो आएगा वो भराड़ी आएगा। बढ़िया सा मंदिर भी दिख रहा है रास्ता, कितना किलोमीटर में देखा था तूने अभी कितना हो रहा है? ये विनायक का रास्ता यही होगा सर? हाँ। विनायक कितनी दूर होगा यहाँ से? विनायक यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर। और वहाँ से आगे दूर कितना होगा? दूर 2-3। अच्छा धन्यवाद। ये करना क्या, कहना क्या चाह रही है भगवान, ऐसी रोड में भी स्पीड ब्रेकर बना देंगे तो हो गया, तो नहीं लेंगे नीचे को, तभी हो सकते हैं बने हुए रोड को। गैंग आ गया, कौन आया बल हमारी कॉलोनी में, आज हमारे गांव में कौन आया है, डरते नहीं है ये नाक में चिपकेगा ना जॉक की तरह, फिर कहोगे भाऊ भाऊ। फाइनली हम डोलते हुए इधर उधर खुद को पटकते हुए पहुंच चुके हैं धूर। कहां पहुंचे धूर, झूठ बोल रहे हैं धूर ही तो मेरे ख्याल से पूरा एरिया ना विनायक ही है। ये देखो अब फिर से धोखा होते हैं हमारे साथ, अरे विनायक हम तीन है, हम तीनों की अपने अपने चल रहे मेरे हिसाब से। अंकल के हिसाब से किलोमीटर कितने हुए? विनायक पहुंच गए हम उसके हिसाब से, अंकल के हिसाब से विनायक पहुंचे होने चाहिए। 5-6 किलोमीटर कहा था ना, 5-6 किलोमीटर तो कहा था, तो हम 94 में 93 में दस टाइम हम पहुँच गए 80 में। मैंने कितने बदतमीज है, मैं जब कह रही हूँ कि इधर तार बार लगा के लगाए करे, इसमें से कदम ताल करते हुए जाते हैं बेशरम इंसान। हाँ नहीं कह सकते थे सीधे, इतने सारे क्यों लगाए, तार कब लगाएंगे तेरी पूछते बोले यार हद है हद, वैसे उल्टे जवाबों की बिल्कुल आदी नहीं हूँ मैं। एक इनके कर्मी मुझे लगा बोर्ड आ गया कहीं कर्मी का, हाँ बोर्ड ही तो लिखा था कर्मी करके, कहाँ सल्ला कर्मी मल्ला कर्मी मत कर देना।
ओह माय गॉड, हमें दिखी एक गाड़ी। निकाल निकाल दे रहा पास। अरे इससे क्या पूछो, पूछो ना, कोई पूछ ले, पूछ ले। भैया भैया ये धुरा कितना पड़ेगा? दूर? हाँ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर तो ठीक है, बढ़िया है। विनायक है ना? विनायक नहीं पहुँचे अभी, अभी विनायक है 2 किलोमीटर, एक डेढ़, वहाँ नाश्ता पानी करने के बाद थोड़ा बढ़िया रोड है। ठीक है, और ये जो कर्मी से भराड़ी की के लिए रोड है ना, ये यहीं से जो ऐसे करके जो नजदीक कौन सी पड़ेगी हमें? आप लोग कहाँ से आए? हम तो आ गए बहुत पीछे से वाली कर्मी, लोहार खेत से। हाँ लोहार खेत, लोहार। हाँ कितना दूर है वो? ऐसी है इन्होंने ऐसी। अब हम यहाँ से जाएंगे तो कितना पड़ेगा? 25-20 किलोमीटर का अंतर है। चलो ठीक है, वो भी बढ़िया रास्ता है। चल 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 भाई, 20 किलोमीटर खींचवाई है तूने भाई, ये तो भूलेंगे नहीं, ये तो हम पक्का ब्लॉग में डालेंगे, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा। 1 घंटे का फर्क हो गया सीधे सीधा, और पहाड़ों पे 2 घंटे है वो। 1 घंटे का हो गया सीधे। हाँ 20 किलोमीटर की स्पीड से, क्योंकि रोड वैसी है भाई साहब। गौरव सुबह से तभी लग रहा है, इतनी देर में मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं हल्द्वानी पहुंच गई होती। हमारी रोड में जाना है करके, मुझे नहीं पता भराड़ी से अलग रोड कटती है भाई। ये ब्लॉग देख देख के जो लोग आते हैं ना, और ये देखो आप रोड, अभी यहाँ से पता चला है पहले वहां तक जाते हैं फिर देखते हैं कहाँ जाना है। सीधे होगा, ऊपर वाला तो बन ही रहा है अभी, क्योंकि ऊपर को भी बन रही है रोड कटी हुई है। किसी की पर्सनल जा रही लग रहा है। हाँ मैं तो वेट है गेस्ट हाउस जाने का, वहाँ मिलता है नहीं मिलता फिर बताऊंगी मैं, जो ये ब्लॉग देख देख के आए है ना ये। मैं इसका यूट्यूब बंद करा भाई, मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। हाँ बाकी इधर आते इसमें क्या कह रहा था, एक रोड में चलते चलते थक गया हूँ कह रहा था, नहीं कह रहा था तू? ऐसा थक गया क्या कि मैं दोबारा थक जाऊं दूसरी रोड में? यही क्या बात हुई भाई, बस यही जंगल देखे जा रहे, यही जंगल उसी पहाड़ के चारों ओर घूमे जा रहे हैं। मुझे तो सोने का भी मौका नहीं मिल रहा है, वो बेचारा डर गया, हम लोहार खेत से आ रहे हैं कहने में, कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे राम वो भी कह रहा होगा, फिर उसे अच्छे से देखा तुम दोनों की शक्ल, बगल में देखा फिर उन्होंने कहा हाँ बैठा तो यही नंबर। ये देखो पी, इसे पूछ लेते हैं। ठीक है ना, आप गाड़ी वाले ने तो एग्जैक्ट बताया होगा, कितना बताया फिर भूल गया, 2 किलोमीटर में विनायक और 6-4 किलोमीटर में, 4 बोला 6 टोटल 6 बोला था उसने। अरे पूछ गया धुर, इसमें लिख रहा है अगली बार धुरेगा चपसिल ले जाऊंगा मैं, चपसिल बैठा दूंगा वहां। चलो खुला खुला तो है इधर को, बढ़िया ऊपर तो पहुंचा दिया इसने, और कितना खुलेगा। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, फोकस लो आ गई भैंस, आ गई लो भैंस ऊपर करके दौड़ ली है जा, ठंडा कैसे है ये लाया यार, भैंसे दौड़ा दी इन्होंने, ओ थोड़ी पहुंचा दिया यार, मैं सोच रहा हूँ नीचे कुछ जा रहे हो तो हाइट में जैसा है। अब रोड काटने वाले सोचा थोड़ा यू टर्न में आए भाई साहब, हाथ छोड़ो ये पकड़ो, बर्फ उड़ते हुए आनी है। अच्छा चलो, बर्फ उड़ते हुए नीचे गिर गई है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और फाइनली वो जो टावर दिख रहा है वो जहाँ पे हमने जाना था, धुर हम पहुंच चुके हैं, और बहुत ही धुर हम पहुंच चुके हैं धुर। और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम मजेदार बारिश तूफान पता नहीं क्या क्या झेल लिया है। इसी ग्राउंड में डाल दो ना, ये बगल वाला ग्राउंड टावर है ना, ऊपर चल के जाता था ये रहा टावर वो वाला। और अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, और ये कुत्ता जो गौरव ने ब्लॉग में देखा था, पता नहीं किसका ब्लॉग देख के आए थे, आ जा
ओले बच्चे कहाँ से भीग के आ रहे हैं, कहाँ से भीग के आ रहे हैं, कहाँ से। मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, बड़ी खतरनाक। और सामने देखो कितना पूरा कोहरा उठ रहा है ऊपर को, इतना प्यारा लग रहा है। और उससे भी ऊपर जो वो दिख रहा है ना, वहाँ पे पूरी बर्फ वाले पहाड़ है, तो वो पूरे स्नो पीक्स हैं। वो ये पूरा एरिया जो है वो पूरे बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ से शायद नीचे को यहाँ से गांव है अभी, क्योंकि कुछ बच्चे वगैरह जा रहे थे। हाँ, ठंडा हो गया। देखते हैं और जाके